हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज मैं मसाज के चारों प्रकारों के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मसाज क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इतिहास इसका क्या है, विभिन्न भाषाओं में इसको क्या बोला जाता है, ओलंपिक में कब शामिल हुआ, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड दोस्तों, यह मसाज का पार्ट टू वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। एंड आज के वीडियो में मैं मालिश यानी मसाज के चारों प्रकारों के बारे में पूरे डिटेल में बात करूंगी। दोस्तों, मालिश यानी मसाज जो टॉपिक है बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, क्योंकि ये कई प्रकारों में विभक्त है, इसलिए याद करने में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। तो आज आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते चलिए। एंड दोस्तों, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के टॉपिक मालिश के प्रकार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं मालिश के बारे में। दोस्तों, मालिश जो है एक वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल विधि है। यह मालिश जो शब्द है वह हिब्रू भाषा के मस्केसल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गूंथते हुए घर्षण करना। इसका जो इंग्लिश मसाज शब्द है वह फ्रेंच शब्द से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग, अर्थात गूंथते हुए घर्षण करना। दोस्तों, इसके जनक हैं डॉक्टर मेगर एमस्टरडम। तो दोस्तों, ये था बेसिक जानकारी जिसको आपको जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, मालिश के प्रकार यानी मसाज कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मसाज कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, मसाज मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। पहला है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, यानी सहलाने की हस्तकौशल विधि। स्ट्रोकिंग मतलब क्या होता है, सहलाना, यानी सहलाने की हस्तकौशल विधि। दूसरा है प्रेशर मैनिपुलेशन, यानी दबाने की हस्तकौशल विधि। तीसरा है परक्यूजन मैनिपुलेशन, यानी थपथपाने की हस्तकौशल विधि। चौथा है सैकिंग मैनिपुलेशन, यानी मिलाने या झकझोरने की हस्तकौशल विधि। तो अब हम इन चारों के में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इन चारों के बारे में डिटेल में जानने के बाद मैं एक छोटा सा चार्ट इसका चारों का एक साथ बनाऊंगी, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले इन चारों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन यानी सहलाने की हस्तकौशल विधि या स्ट्रोकिंग मसाज। दोस्तों, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन को यानी स्ट्रोकिंग मसाज को लाइट एंड लॉन्ग स्ट्रोक मसाज भी बोला जाता है। आप इसको जरूर से ध्यान रखिएगा कि किसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लाइट एंड लॉन्ग स्ट्रोक मसाज। स्ट्रोकिंग मसाज जो है पेशी के ऊपरी व निचले भाग को सहलाने के लिए, यानी ऊपरी व निचले भाग को सहलाया जाता है, जिससे रक्त का संचरण बढ़ जाता है, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। यह लयबद्ध रूप से सहलाया जाता है। वार्मिंग अप के लिए सबसे सर्वोत्तम मसाज आपका स्ट्रोकिंग मसाज है। स्ट्रोकिंग मसाज भी दो प्रकार का होता है। पहला है एफिल्यूरेज, जिसे टूअर्स हार्ट पद्धति से मसाज किया जाता है, यानी हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ। दूसरा है सहल स्ट्रोकिंग मसाज, यानी लयबद्ध तरीके से सहलाने की विधि। एफिल्यूरेज जो पहला प्रकार है, ये टूअर्स हार्ट पद्धति से, यानी कि
अंग को दूर वाले भाग से हृदय की तरफ वाले भाग तक एक या दोनों हाथों से, जिससे हृदय की तरफ मसाज किया जाता है, जिससे होता क्या है कि हृदय की तरफ तथा लिम्फेटिक में रक्त का जो संचरण होता है वह बढ़ जाता है और अंग के ऊपर उठाकर इसमें रखा जाता है और उंगलियों, अंगूठे, हथेलियों को बिना रुके लगातार इसका प्रयोग किया जाता है और यह मसाज एक ही दिशा में किया जाता है। इसका प्रयोग स्प्रेन, डिसलोकेशन के उपचार की प्रारंभिक अवस्था में किया जाता है एंड सूजन होने पर, दर्द होने पर भी किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य इसमें अच्छा होता है। जैसा कि मसाज से क्या लाभ होता है मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं वही चीज़ बताऊँगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन का दूसरा प्रकार है वही स्ट्रोकिंग मसाज। यानी दोस्तों इसमें क्या होता है कि यह फिलरेज हस्तकौशल विधि के समान ही होता है, बस सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसमें सहलाने की दिशा यानी मालिश करने की दिशा निश्चित नहीं होती है। एक लयबद्ध तरीके से इसको अनिश्चित दिशा में किया जाता है, जैसे कि यह छोटे अंगों जैसे कि चेहरा, हाथ की हथेली, पैर के तलुओं आदि के लिए किया जाता है अंगूठे या अंगुलियों का प्रयोग करके। अक्सर शक्तिहीनता या अवसाद की स्थिति में इसको किया जाता है। इससे PNF उत्तेजित होता है, PNF यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो था मसाज के पहले प्रकार स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन के बारे में। अब बात करेंगे दूसरे प्रकार प्रेशर मैनिपुलेशन यानी दबाने की हस्तकौशल विधि। इसमें क्या किया जाता है कि विशिष्ट क्षेत्र पर हड्डियों की गहराई तक दबाया जाता है। इसके तीन भाग होते हैं, नीडिंग, पेट्रिसा, फ्रिक्शन। नीडिंग यानी गुथना, पेट्रिसा यानी चुकोटना, फ्रिक्शन यानी घर्षण। इन तीनों के भी उपविभाजन होते हैं, इन तीनों के भी अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से नीडिंग के चार प्रकार और पेट्रिसा चिकुटना के तीन प्रकार और फ्रिक्शन यानी घर्षण के दो प्रकार और होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीडिंग यानी गूथना, आटे जैसे गूथा जाता है इसमें मांसपेशियों को। जैसे कि ये चार प्रकार के नीडिंग होते हैं, स्क्वीजिंग यानी निचोड़ना, दूसरा एक ही जगह पर दबाना यानी कि स्टेशनरी, तीसरा चक्री रूप से दबाना यानी सर्कुलर, चौथा स्त्री करने स्वरूप दबाना यानी आयरिंग। यानी नीडिंग मसाज यानी गुथना कितने प्रकार का होता है, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरिंग। स्क्वीजिंग यानी पहला, स्क्वीजिंग यानी निचोड़ना क्या होता है, जैसे हम कपड़ा नहीं निचोड़ते हैं उसी प्रकार से हम मांसपेशियों को निचोड़ते हैं, यानी अंग को आराम से पकड़कर निचोड़ते हुए ऊपर की तरफ आराम से खींचा जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार बार बार दोहराया जाता है। इसका प्रयोग ताजी चोटों, चोट की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसमें ऑटोट्रॉफी कम हो जाती है, जैसे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो उस समस्या को इससे दूर किया जाता है। नीडिंग मसाज का दूसरा है स्टेशनरी यानी कि स्टेशनरी मसाज यानी एक ही जगह पर दबाना, जैसे कि अंग की पेशियों को हड्डियों तक दबाते हुए गूथने जैसी क्रिया करना। इसका प्रयोग छोटे अंग, चेहरा, हथेली, पैर और तलुओं पर होता है। इसका लाभ, इससे क्या लाभ होता है, रक्त जमाव जो हेमाटोमा होता है और गुम्बड़ यानी कॉन्ट्यूजन जो नीला पड़ जाता है चोट के बाद, एकाएक चोट के बाद, इसमें इसका ज्यादा लाभ होता है। नीडिंग यानी गूथने वाले मसाज का तीसरा प्रकार है सर्क्यूलर यानी चक्रीय रूप से दबाना।
इसमें पेशियों को पहले हड्डियों तक दबाया जाता है, फिर वृत्ताकार रूप से घुमाया जाता है। इससे ये ऐंठन में या अकड़न यानी ट्विस्टिंग में ज्यादा प्रयोग होता है। निचोड़ने का भी इसमें प्रयोग होता है, यानी ये पेट पर ज्यादा प्रयोग होता है। सर्कुलर मसाज, जैसे कि पेट पर दबाव, फिर आराम से इस क्रिया दबाव किया जाता है पेट पर, फिर आराम किया जाता है। इस क्रिया से यकृत से निकलने वाले जो अम्ल का संचरण होता है वो अच्छा हो जाता है। इसकी वजह से बाइल का स्त्राव अच्छा होता है, आंतों की सफाई हो जाती है अच्छी, वह आते उत्तेजित हो जाती हैं। नेक्स्ट है नीडिंग मसाज का चौथा है स्त्री करने स्वरूप दबाना, यानी कि आयरिंग करना, जैसे हम कपड़ा आयरिंग करते हैं उस तरह से। इसका प्रयोग पीठ पर व कुल्हे पर होता है, या पुराने कमर का दर्द है जैसे कि लंबगो, बैक एक, कमर के दर्द को बैक एक भी बोला जाता है, सैक्रोइलियक स्ट्रेन आदि का उपचार। पेशियों में ऊर्जा व गंदे व दूषित पदार्थ बाहर निकलती है, यानी पेशियों में ऊर्जा भर देती है और गंदे दूषित पदार्थों की यह आयरिंग बाहर निकलती है। ये तो था प्रेशर मैनिपुलेशन के प्रथम प्रकार, नीडिंग के चार प्रकार। अब प्रेशर मैनिपुलेशन के दूसरे प्रकार पेट्रिसाज यानी चुकोटना के बारे में बात करेंगे। चुकोटना यानी पेट्रिसाज में क्या होता है कि हाथों का चमड़ी से संपर्क बना रहता है। जैसे कि चुकोटना यानी पेट्रिसाज चार प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से तीन प्रकार का होता है? पिकिंग अप, ब्रिंगिंग अप, रोलिंग अप। पिकिंग अप में क्या होता है, मांसपेशियों को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा जाता है। फिर ब्रिंगिंग अप में होता है कि इसके बाद तुरंत ब्रिंगिंग अप, मतलब हाथ से हम उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर ब्रिंगिंग अप करेंगे। दूसरा, पकड़कर ऊपर के खींचने के स्वरूप मरोड़ा जाता है, ऊपर की तरफ खींचने के साथ साथ मरोड़ा जाता है। पिकिंग अप में हम पकड़कर ऊपर खींचे, फिर ब्रिंगिंग अप में खींचे तो है, फिर उसके साथ मरोड़ देते हैं। उसके बाद रोलिंग अप, उसको अप मोड़कर आगे और ऊपर की तरफ घुमाना या लुढ़का देते हैं। ये आपका होगा पेट्रिसाज, चुकोटने का मसाज। अब प्रेशर मैनिपुलेशन का तीसरा प्रकार क्या है? घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि यानी घर्षण में मुलायम उत्तकों में विशेषकर मांसपेशी में गहराई तक घर्षण गति की जाती है, मुलायम उत्तकों में, ठीक है, विशेषकर मांसपेशी की गहराई में इसका घर्षण गति की जाती है। यह फ्रिक्शन भी दो प्रकार का होता है, सर्कुलर एंड ट्रांसवर्स। सर्क्यूलर यानी चक्री घर्षण, ट्रांसवर्स यानी तिरछा घर्षण। सर्क्यूलर यानी चक्री घर्षण में गहराई तक दबाव डालते हुए पेशियों तंतुओं को ढीला छोड़ते हुए लयात्मक गति से अलग करते हैं। जोड़ों के चारों तरफ, विशेष रूप से कंधों के पुट्ठे व पैरों की तली पर, क्योंकि यह टेंडन लिगामेंट को फैला देता है, लैक्टिक अम्ल को पुनः वितरित कर देता है। जो लैक्टिक अम्ल जमा होता है तो जमे हुए लैक्टिक अम्ल को पुनः वितरित कर देता है, अंगों के कड़ेपन को दूर करता है, सर्कुलर फ्रिक्शन। एंड दूसरा तिरछा घर्षण यानी ट्रांसवर्स फ्रिक्शन में क्या होता है? ट्रांसवर्स फ्रिक्शन की खोज जो है कैरिक्स नामक वैज्ञानिक ने 1941 में बनाई थी। इस मसाज को चमड़ी की तिरछी दिशा में मसाज किया जाता है, इसका लाभ चक्री के समान होता है। ये था मसाज के दूसरे प्रकार के बारे में। अब बात करते हैं मसाज के तीसरे प्रकार यानी थपथपाने की हस्तकौशल विधि, यानी परक्यूजन मैनिपुलेशन, यानी थपथपाने की हस्तकौशल विधि। इसको टेपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? टेपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। टेपोटमेंट क्या होता है दोस्तों?
यह टिपोटमेंट शब्द जो है स्वीडिश मसाज से संबंधित है, यानी ये टिपोटमेंट स्वीडिश शब्द है, स्वीडिश मसाज है, जिसका अर्थ होता है इसमें थपथपाते हुए मसाज किया जाता है। इसलिए परक्यूजन में भी थपथपाते हुए मसाज किया जाता है, इसलिए इस परक्यूजन मैनिपुलेशन को टिपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि अंग उत्तेजित होता है, खोखले अंग को रिक्त किया जाता है। इसका प्रयोग अक्सर श्वसन थेरेपी में किया जाता है। इस विधि को टिपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ। इसके थपथपाने की हस्तकौशल विधि यानी परक्यूजन मैनिपुलेशन को भी चार भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें क्या है, चार भागों में कैसे डिवाइड किया जाता है, इसके चार भाग हैं, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउडिंग। पाउंडिंग हैकिंग में क्या किया जाता है कि हथेली के गुलाकी भाग से हल्का हल्का प्रहार करना या थपथपाना होता है। उसके बाद क्यूपिंग में क्या होता है, हथेली को प्याले का आकार देकर थपथपाया जाता है। फिर तीसरे में बीटिंग यानी हाथ को उंगलियों को बांध कर यानी मुक्का बनाकर मारना यानी थपथपाना। फिर होता है चौथा में पाउंडिंग यानी हथेली का गुलाकी भाग अंगूठा तथा छोटी उंगली का प्रयोग कर तबला बजाने जैसी क्रिया करना। ये परक्यूजन के चार प्रकार। इसमें से जो पहला प्रकार है हैकिंग परक्यूजन के थपथपाने के हस्तकौशल विधि में, तो इसमें हैकिंग के चार भाग होते हैं। पहला है हार्ड हैकिंग, दूसरा सॉफ्ट हैकिंग, तीसरा डाइवर्जेंट हैकिंग, चौथा कन्वर्जेंट हैकिंग। हार्ड हैकिंग में प्रहार कुछ ज्यादा किया जाता है, सॉफ्ट हैकिंग में प्रहार कुछ कम किया जाता है, डाइवर्जेंट हैकिंग में प्रहार कई बिंदुओं पर मालिश किया जाता है, कन्वर्जेंट हैकिंग में एक ही बिंदु पर मालिश किया जाता है। ये तो था मसाज के तीसरे प्रकार परक्यूजन मैनिपुलेशन यानी थपथपाने के बारे में। अब बात करते हैं मसाज के चौथे प्रकार शेकिंग मैनिपुलेशन यानी हिलाने या झकझोरने की हस्तकौशल विधि के बारे में। शेकिंग मैनिपुलेशन में पेशियों में ऐंठन होने पर इस विधि से दर्द से आराम होता है। इसके भी दो भाग हैं, वाइब्रेशन एंड शेकिंग। शेकिंग भी वाइब्रेशन की तरह ही होता है। तो इसमें वाइब्रेशन जो है, जो कंपन होता है, इसमें जो है हथेली व उंगलियों द्वारा बिना रुके तेजी से कंपन किया जाता है। त्वचा की सतह पर कंपन करते हुए झकझोरा जाता है। इसमें हमारा कलाई और हमारी जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों की जो होती हैं, वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन गति करती हैं मालिश करते समय। इस कंपन यानी वाइब्रेशन के भी तीन विधि होती हैं। पहला रनिंग वाइब्रेशन, दूसरा प्रेशर वाइब्रेशन, तीसरा स्टैटिक वाइब्रेशन। रनिंग वाइब्रेशन में अंगूठा व तर्जनी उंगली से मालिश किए जाने वाले अंग पर आगे बढ़ते हुए कंपन करते हैं। इससे पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है रनिंग वाइब्रेशन से। दूसरा है प्रेशर वाइब्रेशन, इसमें उंगलियों के सिरों द्वारा दबाव डालते हुए कंपन किया जाता है। इसका प्रयोग मेरुदंड पर अधिक किया जाता है। किसका, प्रेशर वाइब्रेशन का प्रयोग मेरुदंड पर ज्यादा किया जाता है, जिससे केंद्रीय नाड़ी तंत्र जो हमारा उत्तेजित होता है। तीसरा है स्टैटिक वाइब्रेशन, यानी पेशियों की हड्डियों तक दबाकर कंपन यानी उंगलियों व अंगूठों द्वारा किया जाता है। इसे डायरिया में पेट पर प्रयोग किया जाता है, कोलन के पुरानी सूजन
मिलाप होता है। कुलन यानी बड़ी याद की सिकम, कुलन मलासा तीन भाग होते हैं, तो कुलन के पुरानी सूजन को लाभ होता है। डिसलोकेशन, स्पेन, सूजन आदि में लाभ होता है। पुरानी फेफड़ों की बीमारी में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने मसाज के चारों प्रकार के बारे में डिटेल में बताई। दोस्तों डिटेल में तो आप जान गए, लेकिन इसको याद करने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। तो आपको मैं एक छोटे से चार्ट में पूरी मालिश को दर्शाना चाहती हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। दोस्तों जैसा कि मालिश मैंने बताया चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार? स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, प्रेशर मैनिपुलेशन, परक्यूजन मैनिपुलेशन और सेकिंग मैनिपुलेशन। ये चारों प्रकार के आपके मसाज होते हैं। तो चारों की याद करने का ट्रिक क्या है? आप याद कीजिए यस पी पी एस, यस पी पी एस। यस से स्ट्रोकिंग, पी से प्रेशर, फिर पी से परक्यूजन, फिर यस से सेकिंग। ये आपके चारों प्रकार याद हो गए। अब आपको सेकिंग में क्या होता है कि सहलाने की हस्तकौशल विधि, ये तो आप जान ही गए। ये स्प्रेन डिसलोकेशन के उपचार में प्रयोग किया जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में, और वार्मिंग अप की सर्वोत्तम विधि है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन। और प्रेशर मैनिपुलेशन जो है, यह विशिष्ट क्षेत्रों पर हड्डियों की गहराई तक दबाया जाता है इसमें। एंड परक्यूजन मैनिपुलेशन में, जिसमें थपथपाया जाता है, इसमें श्वसन थेरेपी में ज़्यादा प्रयोग होता है। एंड चौथा प्रकार सैकिंग यानी मिलाने झकझोरने के हस्तकौशल विधि में पेशियों में ऐठन होता है, ऐठन होने पर मसाज किया जाता है। तो स्ट्रोकिंग जो पहला प्रकार है, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन यानी सहलाने के हस्तकौशल विधि में कितने प्रकार मैंने बताया था? दो प्रकार। कौन कौन से? एफेल्युरेज और स्ट्रोकिंग। एफेल्युरेज में मैंने क्या बताया था कि टुअर्ड्स हार्ट यानी कि दूर से हृदय की तरफ मसाज किया जाता है, बस टुअर्ड्स हार्ट, आप इतना याद कर लीजिए। और स्ट्रोकिंग मसाज में दिशा निश्चित नहीं होती है, छोटे अंगों, चेहरा, हाथ, हथेली, पैरों की तलुआ, उंगलियों का मसाज उंगलियों के प्रयोग से किया जाता है। ये हो गया आपका स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन के दो प्रकार, एफिलुरेज और स्ट्रोकिंग। अब दूसरे प्रकार क्या है? प्रेशर मैनिपुलेशन यानी दबाने की हस्तकौशल विधि। यह प्रेशर मैनिपुलेशन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा तीन प्रकार का? नीडिंग यानी गूथना, चुगोटना यानी पेट्रीसाज, फ्रिक्शन यानी घर्षण। ये तीन प्रकार के होते हैं प्रेशर मसाज यानी दबाने की हस्तकौशल विधि। तो तीन प्रकार के कौन कौन? नीडिंग, पेट्रीसाज, फ्रिक्शन यानी कि गुथना, चुकोटना, घर्षण। तो नीडिंग भी चार प्रकार का होता है। कौन कौन से? स्क्वीजिंग यानी निचोड़ना, दूसरा एक स्टेशनरी यानी एक ही जगह पर दबाना, तीसरा चक्रीय रूप से दबाना यानी सर्क्यूलर, चौथा आयरिंग यानी स्त्रीकरणी स्वरूप दबाना। और प्रेशर मसाज का दूसरा प्रकार क्या है? पेट्रीसार यानी चुकोटना। ये चुकोटना भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से? इसमें आपका हाथ का स्पर्श नहीं छूटना चाहिए, संपर्क बना रहना चाहिए। इसमें तीन प्रकार का कौन कौन होता है? सबके आगे अप अप है यानी पिकिंग अप, या पहला पिकिंग अप यानी पकड़ कर ऊपर खींचना, ब्रिंगिंग अप यानी ऊपर खींचने के साथ मरोड़ना, रोलिंग अप यानी पकड़ कर आगे और ऊपर की तरफ घुमाना या लुढ़काना। प्रेशर मैनिपुलेशन का तीसरा प्रकार क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी मुलायम ऊतकों में गहराई तक किया जाता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण। और इसके भी दो प्रकार है, सर्कुलर फ्रिक्शन यानी चक्री घर्षण, एंड तिरछा घर्षण यानी ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। इसका 1941 में किया था। तो ये आपका हो गया मालिश के दूसरे प्रकार के बारे में।
तीसरा प्रकार क्या है? परक्यूजन मैनिपुलेशन यानी थपथपाने की हस्त कौशल विधि, इसको टेपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यह स्वीडिश शब्द है टेपोटमेंट। यह अक्सर श्वसन थेरेपी में किया जाता है। और परक्यूजन यानी थपथपाने की हस्त कौशल विधि कितने प्रकार की होती है? तो चार प्रकार की होती है। इसमें अक्सर हमारी हथेलियों का प्रयोग किया जाता है। इसके चार भाग कौन कौन है? हैकिंग यानी हथेली से हल्का प्रहार, क्यूपिंग यानी हथेली को प्याले जैसा बनाकर थपथपाना, तीसरा बीटिंग यानी मुक्का बनाकर थपथपाना, चौथा पाउंडिंग यानी हथेली की गुलाकी और अंगूठा व छोटी उंगली से तबला बजाने जैसी क्रिया किया करना। इसमें आपका हैकिंग चार प्रकार का होता है। कौन कौन? हार्ड हैकिंग यानी ज़्यादा प्रहार, सॉफ्ट हैकिंग यानी कुछ कम प्रहार, डाइवर्जेंट हैकिंग यानी कई बिंदुओं पर मालिश, कन्वर्जेंट हैकिंग यानी कुछ एक ही बिंदु पर मालिश। एंड चौथा प्रकार क्या है मालिश का? शेकिंग मैनिपुलेशन यानी मिलाने और झकझोरने की हस्त कौशल विधि, पेशियों में ऐठन होने पर अक्सर ये किया जाता है। शेकिंग मसाज कितने प्रकार का होता है? ये भी दो प्रकार का होता है, वाइब्रेशन और शेकिंग। इसमें से वाइब्रेशन जो है तीन विधि होती है, रनिंग वाइब्रेशन अंगूठा तर्जनी से कंपन किया जाता है, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है यानी पीएनएफ, और दूसरा प्रकार है वाइब्रेशन का प्रेशर वाइब्रेशन यानी उंगलियों को सिरों द्वारा मेरुदंड पर अधिक किया जाता है, सीएनएस उत्तेजित होता है। एंड तीसरा प्रकार है वाइब्रेशन का स्टैटिक वाइब्रेशन, पेशी की हड्डियों तक दबाव कंपन किया जाता है उंगलियों हथेलियों से। तो दोस्तों ये था आपका मालिश के सभी प्रकारों के बारे में। इसमें एक छोटे से चार्ट में पूरे मालिश को मैंने कवर किया है, जिससे आपको एक ही जगह पर उसका डिटेल मिल जा रहा है। तो मालिश के चार प्रकारों में से स्ट्रोकिंग मसाज, प्रेशर मसाज, परक्यूजन मसाज, सेकिंग मसाज यानी स्ट्रोकिंग सहलाना, प्रेशर दबाना, परक्यूजन थपथपाना, सेकिंग झकझोरना। इसमें से ये आप चारों प्रकारों के याद करने के लिए याद कर लीजिए, यस पी पी एस, यस से स्ट्रोकिंग, पी से प्रेशर, फिर पी से परक्यूजन, फिर यस से शेकिंग। उनके प्रकार याद करने के लिए 2 3 4 2 ऐसे याद कर लीजिए। 2 3 4 2 का मतलब है कि जो पहला प्रकार है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन वो दो प्रकार का होता है, और 2 3 यानी कि दूसरा प्रकार तीन प्रकार का होता है, नीडिंग और पेटिसाज और फ्रिक्शन, और तीसरा प्रकार 2 3 4 यानी तीसरा प्रकार जो परक्यूजन है थपथपाना है वो चार प्रकार का होता है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। एंड 2 3 4 2 यानी सेकिंग जो चौथा प्रकार होता है वो दो प्रकार का होता है, वाइब्रेशन और सेकिंग। इस प्रकार आपका ये मालिश वाला पार्ट्स उसके प्रकार के बारे में आपने जाना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद किसी और अन्य वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी को आप नोट्स बना लीजिए, आपका मालिश वाला पार्ट कवर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मालिश के जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं डोपिंग के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड खेल चिकित्सा क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या है, पुनर्वास क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं सभी टॉपिक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, जिससे आपके टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार आपका तैयारी होता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके और एक नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट वीडियो को बना सकूं आपके लिए। एंड दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।